हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 30 फीट बाई 30 फीट हाउस प्लान। 3 BHK हाउस प्लान है तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो यहीं पे देख रहे हैं आप, यहीं पे बेडरूम, एक बेडरूम इस तरफ है और यहीं पे ये वाला एक बेडरूम है और ये वाला जो है यहीं पे एक बेडरूम रखा है, तो 3 बेडरूम है। और यहीं पे टॉयलेट जो है दोस्तों, यहीं पे सिंगल टॉयलेट लैट्रिन कम बाथ यहीं पे रखा है। और इस तरफ एंट्री में यहीं पे लिविंग रूम है, लिविंग रूम के साथ यहीं पे स्टेयर है, लिविंग है। और लिविंग रूम के पास बाद यहीं पे आपको मिल जाएगा डाइनिंग हॉल, डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ यहीं पे किचन है। तो यहीं पे ओपन किचन भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये किचन है, यहीं पे किचन रखा है। और स्टेयर का आप देखिए इस तरफ रहेगा, ऐसा घूम के इस तरफ डाउन होंगे। एक एक स्टेयर का 3 फीट करके विड्थ यहीं पे रखा गया है, देखिए 3 फीट है। तो इस तरफ का, तो यहीं पे लिविंग रूम का, लिविंग रूम का जो साइज है देखिए, इधर से आपको इस तरफ मिल जाएगा 9 फीट 3 इंच और इस तरफ से इतना दूर 8 फीट 6 इंच। और स्टेयर जो है देखिए, स्टेयर के लिए आपको जगह चाहिए, इधर से इतना दूर तक आपको 8 फीट 10 इंच और विड्थ जो है 8 फीट 6 इंच, इसके अंदर आपको स्टेयर रूम रेडी हो जाएगा। और बेडरूम का साइज यहीं पे, बेडरूम, ये बेडरूम का साइज यहीं पे 12 फीट बाई इस तरफ आएगा 10 फीट, 12 बाई 10 फीट का ये बेडरूम है। और ये बेडरूम का बेड है देखिए, इस तरफ का सेट किया। बेडरूम में 2 विंडो है, 2 विंडो यहीं पे रखा है, 4 फीट बाई 5 फीट का विड्थ है W1 का। तो उसके बाद यहीं पे टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज यहीं पे मिलेगा 4 फीट 8 इंच, यहीं पे 4 फीट 8 इंच है। और इस तरफ 9 फीट, ठीक है, 4 फीट 8 इंच बाई 9 फीट का यहीं पे टॉयलेट है। और यहीं पे जो बेडरूम है, ये बेडरूम का 10 से इतना दूर तक 11 फीट है और विड्थ जो है रहेगा यहीं पे, विड्थ यहीं पे 11 फीट है। तो 11 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम है। तो इसके साथ यहीं पे अटैच टॉयलेट रखा है। तो अटैच टॉयलेट का यहीं पे लेंथ जो है 7 फीट 7 इंच बाई विड्थ मिलेगा 4 फीट 7 इंच, तो यहीं पे गलत पकड़ा है, 4 फीट 5 इंच। और जो यहीं पे बेडरूम है, ये बेडरूम का इस तरफ आएगा 12 फीट 8 इंच और विड्थ आएगा 10 फीट। तो यहीं पे भी 2 विंडो रखा है, ये बेडरूम में भी 2 विंडो रखा है 4 फीट बाई 5 फीट का। और इस तरफ किचन है, किचन, किचन का इस तरफ जो है 6 फीट और इस तरफ आएगा 9 फीट 2 इंच। यहीं पे डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल का साइज 12 फीट 8 इंच वाई इस तरफ मिलेगा 9 फीट 2 इंच। तो यहीं पे देखिए, ऐसा 3 बेडरूम आपको मिलेगा, एक कॉमन टॉयलेट, एक अटैच टॉयलेट के साथ, 3 बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, स्टेयर रूम, लिविंग रूम के साथ। जो कॉलम पोजीशन है देखिए, एक ब्लू कलर का जो बॉक्स है यहीं पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, 1 टोटल 13 नंबर कॉलम यहीं पे जरूरत रहेगा। बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन को, 100 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है। तो कुल मिला के आपको ग्राउंड फ्लोर में 12 लैक्स खर्च यहीं पे आएगा टोटल फिनिशिंग के साथ ग्राउंड फ्लोर में। तो यहीं पे विंडो का W2 देखिए, यहीं पे छोटा विंडो है, 3 फीट बाई 3 फीट का है। और यहीं पे वेंटिलेशन है टॉयलेट का, 14 इंच बाई 14 इंच का है। और यहीं पे मेन डोर यहीं पे है, मेन डोर का साइज रहेगा 4 फीट बाई 7 फीट और बेडरूम में जो डोर है उसका साइज रहेगा 9 फीट बाई 7 फीट, टॉयलेट का 2.5 फीट बाई 7 फीट और किचन का 3 फीट बाई 7 फीट, यहीं पे डोर का साइज है।